वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पंथ के महान कीर्तनीय सचखंड वासी भाई साहब भाई हरनाम सिंह जी श्रीनगर वाले, जो सरदार पुरख के हुक्म अनुसार पिछले दिन अकाल चलाना कर गए सन, तिना की मिठी याद को मुख रखते हैं। गुरु कृपा कीर्तन कौंसल चंडीगढ़ और ई कीर्तन दीवान की समुचिया टीम वालों सचखंड श्री हरिमंदर साहब दिवस चार अंत खे गुरु संगत जी, जिस तरह के आप जी भली भांत पता है कि पिछले दिनों विच साढ़े हरमन प्यारे धन गुरु रामदास साहब हर पातशाह की कीर्तनी भाई साहब भाई हरनाम सिंह जी श्रीनगर वाले, एक्चुअली भाई साहब भाई हरनाम सिंह जी के नाल श्रीनगर क्यों लगा, क्योंकि कबीर साहब का एक श्लोक है कि कबीर चंदन का बिरवा बगा बेड़े डाक पलास, ओए भी चंदन होए रे बसे जो चंदन पास। मेरी मुराद भाव भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह श्रीनगर वाले, जिन्हें नाल भाई हरनाम सिंह जी तपले तो संगत करते रहे, लेकिन फिर होंद में आए, आपका जत्था बनाया, धन गुरु रामदास साहब महाराज पातशाह की पाद पुत्र चरणा च बैठ के गुरु साहब को कीर्तन सुनाने की सेवा कर दो। पिछले समय इस संसार नूं और परिवार नूं अलविदा कह गया, उन्हां दी पावन पुत्र याद विच एक कीर्तन समागम जो साडे भाई साहब भाई इंद्रपाल सिंह जी चंडीगढ़ वाले उन्हां दे उद्यम सदका गुरदासां दे उद्यम सदका यह जो कीर्तन दरबार आयोजित है भाई साहब भाई हरनाम सिंह की याद विच है, तो आप जी शर्म करना भगत कबीर साहब जी का पाठ पुत्र शब्द है कि रैन गई मत दिन भी जाए, रैन रात वे रात्रि चले गई एक आहट दिन दिन, रैन गई मत दिन भी जाए, मत दिन भी चला जाए भवर गए, भवर कहते हैं गुरु संगत जी कालिया ने बग बैठे है चिट्टे आ गए, पर तेरा जड़ा जीवन है पल पल तो कट रहा है, तो गुरु कृपालता करन बख्शिश कर, क्योंकि एहो जे कीर्तनियां दी याद विच ये नहीं कहना पैंदा कि अब की बार बख्श बंदे को, क्योंकि जेडे कीर्तन करते हैं वह बख्श के ही आते होंगे, जिसनों बख्श ले मेरे प्यारे सो जस तेरा, तो गुरु कृपालता करन बख्शिश कर। आओ बड़े प्यार दे नाल शब्द शरण करते हैं, मेरे नाल अच्छा भाई दवनीत सिंह जी सैड से बैठे ने जथेदार ने, अज युग है सत्संग जी कीर्तन और संगीत का, बहुत ही प्यारा कीर्तन करते हैं, तबले से संगत कर रहे शेखर सिंह जी, तो गिटार से कुलविंदर सिंह जी बैठे ने, और गुरु कृपालता करन बख्शिश करन जो भी इस पावन पुत्र हजूरी हाजिर ने जी आए, और बड़े प्यारा शब्द Oh
मत दिन बी जाए रे मत दिन
अपना सेवक
ਆਪਣਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ Yeah.
गुरकृपा कीर्तन कौंसल वालों जो साड़ी अपनी कौंसल है गुरसंगत जी चंडीगढ़ और साढ़े भाई साहब भाई इंद्रपाल सिंह जी किसी जिमें करके नहीं आ सके तो असी एक बार फिर समूह कीर्तनिया वालों भाई साहब भाई हरनाम सिंह जी श्रीनगर वाले उनके परिवार नाल दुख सांझा प्रकट करते हैं। गुरु संगत जी जाने वाले नूं कोई नहीं लिया सकता क्योंकि यह सच्चाई है मरण लिखाए मंडल में आए जो किसी की वारी आनी है उदो चले जाना पर रहना किसी ने नहीं इतने गुरु संगत जी इस करके एक आप बिरत पाईए क्योंकि कई बार कुछ ऐसे कार्य होते हैं तो मैं कई कहते हैं कि भाई साहब जी तुम लेट हो मैं कहा जी लेट आए दुरुस्त आए देरी से आए दुरुस्त आए हाले भी कोई गल नहीं तो गुरु कृपा का करण बख्शिश कर मैं समूह कीर्तनियों को बेनती कराँगा कि अपने जोड़े कीर्तनीए अज संसार से नहीं कोई साझा प्लेटफॉर्म बना के उन्हों सारे कीर्तनियों की याद में जो इस समागम उन्हों की याद में कराया जाए ताकि पूरे देश विदेश में पता लग सके क्योंकि तकरीबन 1988 का दहाका जो भाई साहब भाई रजिंदर सिंह जी सिंगापुर वाले कीर्तन करते उस परमात्मा के चरणों में जा विराजे सन। होर भी समूह कई ऐसे कीर्तनी मैं तकदा हाँ कई बार वीडियो वायरल होती है कि रागी सिंह कीर्तन कर रहा है तुक पड़ी है बस उत्थे ही खत्म। गुरु संगत जी क्या जाना कि वो मरेंगे कैसा मरना होए पर कैसी वधिया मौत है। खंड पाठी पाठ कर रहा है पाठ करते गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी जी प्राण त्याग दिता मरो तो हर के द्वार कबीर साहब वही मरने का कबीर साहब कहते मरण तो नहीं डरता कहते मोहे मरने का चाओ है मैं मरण का चाओ है खुशी है पर किदा मरा मरो तो हर के द्वार हरी दे द्वार जिदा कीर्तनी चले जाते हैं कहते कीर्तन करते कीर्तन करते चले गए मत हर पूछा कौन है पर हमारे ऐसा मरना हो। तो 1988 जो भाई साहब भाई रजिंदर सिंह का मार्च महीना वो उन्होंने आखिरी कीर्तन से उत्थे सिंगापुर और वह कीर्तन जो कि वर्ल्ड के समूह कीर्तनिया ने उस कीर्तन फॉलो किया उस कीर्तन तो उस बंदिशा तो जाणू हो के गुरु संगत जी सिख संगतां की सेवा करन दे योग हुए। तो अज भी जितने कीर्तनी ने नौजवान कीर्तनी यूथ यंग जनरेशन वो सानू माण बख्शदी है भाई साहब भाई रजिंदर सिंह जी दास गुर पुरातन कीर्तनी है भाई साहब बलवीर सिंह जी पुरातन कीर्तनी तो गुरु कृपा तक करन बख्शिश कर भाई साहब भाई हरनाम सिंह जी और उन्होंने परिवार नाल असी दुख प्रगट करते हाँ। गुरु कृपालता करन बख्शिश कर रहमत कर भाई साहब जी ने गुरु रामदास साहब महाराज पातशाह जी ने अपने चरणों में बिठा लिया है जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा और केती चक चक आवे जाए जिन हर जपया से हर होए। गुरु संगत जी जिन्होंने उस हरी नूं जपया वह हरी वर्गे बन गए पर यह बहुते नहीं होंगे ये कोई गिणती दे होंगे तो गुरु कृपालता कर बख्शिश कर इन्नी सेवा प्रवान करनी प्यार से फतेह बनाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।